स्कॉलरशिप के भुगतान की मांग को लेकर महानगर के आरएन यादव, प्राइवेट आईटीआई शीतला देवी आईटीआई सहित कई अन्य आईटीआई कॉलेजों के लगभग 3 दर्जन छात्रों ने बुधवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को प्रेषित किया। छात्रों का कहना है कि उनका छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर अजय निषाद, सिद्धार्थ गुप्ता, दुर्गेश कुमार, संतोष कुमार, टिंकू सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र भुवाल ने कहा, हम देवता मिश्र से प्राइवेट आईटीआई से आए हैं, स्कॉलरशिप हम लोग का नहीं मिला है तो। और हम चाह रहे हैं कि हम सभी ओबीसी का स्कॉलरशिप आ जाए। इन लोगों ने केवल एससी और जनरल का स्कॉलरशिप भेजा है और ओबीसी का नहीं भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि फंड नहीं आया है। कॉलेज का क्या कहना है आपके इस पर? कॉलेज इस पर कोई रिएक्शन नहीं ले रहा है। तो आज आप लोग डीएम को ज्ञापन सौंपने आए हैं? जी, विकास भवन पे भी गए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अभी कोई इतनी नहीं है कि उनके पास फंड नहीं आया है, जब आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो लोग कह रहे हैं कि फिलहाल समझिए कि नहीं आएगा।